जय हिंद। आज 12 सितंबर है, एवाईए पैरामेडिकल का दीपू में आपका क्या चल रहा है, एवाईए लोगों का आपका रैली चल रहा है, ठीक है। तो जो रैली चल रहा है अभी, आज का मैं अपडेट दे रहा हूँ सुबह सुबह का रनिंग के लिए आपका क्या हुआ, हर एक पॉइंट्स को मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। जो भी हुआ है टेस्ट तो अभी चल रहा है, लेकिन तो अभी रनिंग क्या हुआ है, तो रनिंग में जो कैंडिडेट रिजेक्ट हुई है, रनिंग नहीं क्वालिफाई कर पाई हैं, तो उनका जो भी ओपिनियन था और जो भी रिव्यू था मैं उसको आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। और आप इसको पूरा एकदम ऑथेंटिक भी मत मान लीजिएगा, अब जो भी होगा यानी एक रिव्यू के तौर पे ही लीजिएगा। बाकी मैं और कैंडिडेट्स जितने भी लोग आज टेस्ट दे रहे हैं या अभी रनिंग जो भी दिए हैं, आप कमेंट में आकर के अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कैसा आपका वहाँ का एक्सपीरियंस रहा रनिंग का, हाइट का और आपका टेस्ट का, जो भी होगा आप कमेंट बॉक्स में आकर के बताइएगा। तो आपका यह जो था दीपू में इंट्री आपका कब से चालू कर दिए, 4:30 बजे से आपका इंट्री स्टार्ट हो गया था और 4:30 बजे से लगभग 137 कैंडिडेट के अराउंड आए हुए थे और 137 कैंडिडेट का एक ही ग्रुप में एक ही साथ सबका रनिंग करवा दिया गया, जो कि 7:30 बजे तक आप सभी का रनिंग फाइनल हो चुका था। और फिर उसके बाद 10-15 मिनट में जितने कैंडिडेट रिजेक्ट हुए थे, अनक्वालिफाइड थे, फिजिकल में को नहीं क्वालिफाई कर पाए थे, उनको दे दिया गया रिजेक्शन स्लिप, 10 मिनट के अंदर में सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। अब कितने कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया रनिंग को, लगभग हाँ आपको बता दूँ कि यूपी का चल रहा है अभी, ठीक है, यूपी का चल रहा है। और ये जो है आपका एवाईए का रैली आपका आज 12, 13, 14, 15 यानी कि आज को छोड़ के आगे 3 दिन तक और चलने का इंफॉर्मेशन मिला है जो वहां से कैंडिडेट ने बताया है। और थोड़ा सा ऑथेंटिक भी लग रहा है, क्यों, क्योंकि 16 को पेपर है, तो 3 दिन ये एवाईए का ये लोग रैली को करवाएंगे आगे, मतलब 12, 13, 14, 15 3 दिन चलेगा, 16 को एग्जाम होगा और 17 से मोस्ट प्रोबेबली कि आपका क्लर्क का स्टार्ट हो जाएगा रैली। हालांकि कुछ कैंडिडेट हैं जो कि मैं और चैनल पे अपने भाई लोगों का जो चैनल है उस पर देखा, तो 13 सितंबर को भी वोटिंग किए हैं, वोटिंग भी कुछ आते हैं फालतू में करके चले जाते हैं, एकदम कंफ्यूजन क्रिएट, मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा ऑथेंटिक इसलिए लग रहा है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के नागालैंड के कैंडिडेट ने मुझे टेक्स्ट किया है टेलीग्राम पर एक्सरसाइज टाइपिंग के बारे में, तो उनका 20 सितंबर को है, तो अब उसके हिसाब से भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग इसी के अराउंड आपका चलेगा। तो आप पिछले पॉइंट पे आइए, पे आ जाइए, 20 से 25 तारीख तक आपका चलेगा रैली, 20 से 25 कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है रनिंग को, ठीक है। आप देखिए कितने कम कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है वहाँ पे। ग्राउंड आपको पहले से बता दूँ अप डाउन वाला ही है, 5 किलोमीटर वाले कैंडिडेट एकदम पूरा अच्छे तरीके से ग्राउंड में दौड़ो। और ग्राउंड में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, अपने से माप लोगे कि 250 मीटर 400 मीटर का बना लोगे और रहेगा 375 मीटर, हर में 25-25 मीटर, 10-10 मीटर, 5-5 मीटर गायब करते रहोगे। फिर वहाँ पे जाने के बाद बोलोगे ग्राउंड बहुत लंबा था, रोड बहुत लंबा था, ऐसे वैसे, ठीक है। थोड़ा अपने आप को वहाँ के लेवल से थोड़ा ऊपर रख के आप ट्रेन करिए अपने आप को। टाइमिंग में उनके द्वारा जो बताया गया कैंडिडेट थी यूपी की, कि टाइमिंग में मिस अप्रोप्रिएशन किया गया है, कम ज़्यादा टाइमिंग किया गया है। इनका टाइमिंग जो आई थी अपने बोल रही थी, घड़ी से देखी थी 6:30 का टाइमिंग देखी थी, लेकिन तो 6:08:30 आपको टाइम देना चाहिए, लेकिन तो अपने घड़ी में देखें तो 6:30 मिनट में ही टाइम ओवर कर दिया गया, उनको रोक दिया गया। पहली कैंडिडेट वही थे, 3 लोग वो साथ में आ रहे थे, रोक दिया गया, कहा कि अब नहीं, अब बस टाइम बस इतना ही मिलेगा। तो जो भी होगा आप बताइएगा, जो भी और लोग होंगे कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, ठीक है। और डॉक्यूमेंटेशन में भी इनके द्वारा बताया गया कि डॉक्यूमेंटेशन में भी आउट किया जा रहा है, वैसे तो फिलहाल डॉक्यूमेंटेशन में तो आउट नहीं करना चाहिए, जो भी होगा इसके लिए भी मैं अभी उनके रिव्यू को समझ लीजिए, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, सिर्फ वो नहीं है, ठीक है। हाइट में तो कैंडिडेट जिनका हाइट उतना नहीं रहेगा, कितना मांग रहा है, 157, तो उसमें भी हाइट में भी रिजेक्ट हो रही हैं कई गर्ल्स। क्या हुआ कि रनिंग करते समय वो वैसा ट्रेन को कभी देखी नहीं होंगी, तो वैसे ट्रेन में जो ट्रेन है आपका पहले थोड़ा सा प्लेन है, फिर डाउन जाता है, डाउन बहुत तेज़ी से जाता है, फिर अप तुरंत होता है, तो वैसे ट्रेन में जो अपने आप को अडेप्ट नहीं किया उस समय
के हिसाब से वो अपना पैर को अपने बॉडी को नहीं मेंटेन बैलेंस किया और वहाँ पे गिर गया, और गिरने पे बहुत अच्छा खासा वहाँ पे चोट लगता है क्योंकि एक पीछे से आपकी भीड़ आ रही है, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो। आपसे एक ही निवेदन है कि कृपया करके रनिंग को जब करिएगा तो गिरने का गुंजाइश मत छोड़िएगा, गिरिएगा नहीं, भले से आप रनिंग को कुछ कर दीजिएगा, क्योंकि गिर जाएंगे तो आपका आगे का जो भी किलोमीटर्स बचे रहेंगे काफ़ी मुश्किल हो जाएगा आपको उसे निकालने के लिए। और रैली 3 दिन तक, और इन लोगों की एग्ज़ाम डेट बता दिया 16 तारीख को है। अभी को फिर मैं इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, अभी आज का तो वेरीफाई नहीं अभी हो पाया, इसको मैं क्या किया कि 5 जो भी महाराष्ट्र किया जो रैली चला था आपका 11 तारीख को, 9 को शायद चला था, 9 को महाराष्ट्र की कैंडिडेट ने जो वहाँ का रिव्यू दिया था बोली थी कि टाइम पूरा दिए थे, मुझे ऐसा लगता था कि मैं नहीं क्वालिफाई कर पाऊँगी, लेकिन तो टाइमिंग था, प्रॉपर था, इसलिए वो क्वालिफाई कर गई। और बोल रही थी ऐसा ज़्यादा फेक न्यूज़ भी ऐसा हो रहा है कि टाइमिंग ज़्यादा पूरा नहीं दिया जा रहा है, ऐसा ऐसा नेगेटिविटी का जो भी होगा, ठीक है आप ओवरऑल समझ गए। बाकी मैं जल्द ही मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, दीपू उपू के बारे में अपडेट लाता हूँ, ठीक है। जय हिंद।